सचिन मा तो राजी सब राजी हम राजी हो गेलो चल डर दे पर हो का जात बने चलो गेलो जो घोड़े लेग ले दुनो बेटा दुनो राजी हैं रे साथ हैं हां ठीक हो जाओ तुम्हारा पिताजी का क्या नाम है प्रकाश दास अच्छा घर कहाँ है तुम्हारा जम्मू का अच्छा इस लड़की को तुम कैसे जानता है कंपनी में काम करते थे साथ में अच्छा ये एक शादीशुदा लड़की है कि कुमारी लड़की है शादी की है अच्छा शादी की है तो तुम इस लड़की से कैसे शादी करेगा ये तो किसी और का पत्नी है प्यार करते हैं बोला हम शादी करेंगे तुम तो कोई तुमको कह देगा कि प्यार करेंगे उससे शादी कर लेंगे तो तुम किसी का पत्नी के साथ कर लेगा नहीं ये बोला था मर जाएंगे नहीं करेंगे शादी तो आप इसीलिए नाम कर रहे अच्छा क्या ये लड़की बता रहे है कि मर जाएंगे तुमसे नहीं करेंगे तुम बोला मर जाएंगे उसके पास नहीं रहेंगे रहेंगे तो मर जाएगा तुम्हारा क्या जा रहा था इसमें नहीं मर जाएगा कोई कैसे मर जाए हमारे लिए बदनाम हो गया तो मेरा नाम लेकर बदनाम हो गया जब पूरा तुम सोचे क्या किस लिए बदनाम हो गया जब हमारे लिए इतना बदनाम हुआ तो इतना कुछ किया था हम अच्छा तेजा पड़ जाएगा सभी का यानी कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करता है अच्छा अगर अगर ठीक है आज तुम शादी करा भविष्य में इस लड़की को तुम छोड़ देगा तो कहाँ जाएगी नहीं छोड़ेंगे चलो ठीक है बाबू आप अपना नाम बताइए आपका शुभ नाम जोर से बोलो हम थोड़ा कम सुनते हैं शिवानी अच्छा आपकी पिताश्री का नाम गुरु रविदास घर आपकी मायके अच्छा अच्छा आप सचिन को आप कितना दिन से जानते हैं कंपनी में काम करता था उसी टाइम से अच्छा इसके पहले आपकी आपकी शादी कहीं हुई है क्या कभी क्या कहाँ पे शादी हुआ है लड़का का क्या नाम है पूरा बताइए उसका घर हुआ बलथर उसका नाम है विकास अच्छा अच्छा तो फिर आप एक शादीशुदा औरत हैं तो आप दूसरे लड़का से प्यार कैसे कर रहे हैं और उससे शादी क्यों कर रहे हैं आप प्यार किया वो हस्बैंड जाना बोला नहीं अच्छा हस्बैंड क्या बोला नहीं रहा नहीं रहा अच्छा तो अभी तुम हस्बैंड के साथ रहना चाहती है कि सचिन के साथ और अगर सचिन नहीं रखेगा तो मर जाएगी अच्छा अगर कल तुम अभी जिस लड़का के साथ तुम प्यार कर रहे यार शादी करने के लिए तैयार शादी तुम्हारा हो गया है क्या हाँ, अभी हो गया। किसके साथ हुआ शादी सचिन का अच्छा तुम अपना मर्जी से किया है शादी या फिर कोई बात जबरदस्ती किया है नहीं मैं अपना मर्जी से किया अच्छा हेलो और कल सचिन पे कोई जमुई चाहे जो भी रहे आपको टोटल चीज बोलना है और बोलना है क्या कि हम अपने मर्जी से हम पत्नी को गलत या को, मतलब कुछ व्यवहार में पकड़ा गया जिसके वजह से हम शादी करवा दे रहे हैं अपना प्रेमी के साथ ये एक दूसरे को क्या आंसर करेगा थाना सोनो जिला जमुई के निवासी हैं और ये दोनों में प्यार मोहब्बत का चक्कर में पकड़ा गया है इसलिए दोनों को शादी करा दिया गया है और ये लड़की लोग और लड़का लड़की खुद ही बोल रहा था कि हम उसके बिना जीवित नहीं रहूंगा नहीं तो हम फांसी लगा लेंगे इसके लिए हम दोनों को शादी करवा दिए हम विकास दास है जिला जमुई थाना सोनो का निवासी हैं ग्राम बलथर है और ये लोगों पकड़ा गया है कुछ प्यार मोहब्बत का चक्कर में जो कि इसको दोनों को शादी कर दिया गया है हम अपने सुरक्षा से करवा दिए अपने सुरक्षित में करा दिए गए इसको अपना ये खुशी से जिंदगी बिताओ हमारा कोई रोल नहीं रहेगा हमारा कोई नुकसान नहीं पहुंचना है को कुछ भी नहीं करेंगे हम दोनों मर्जी से शादी कर लिए हैं नाम सचिन कुमार पिता का नाम प्रकाश दास घर जामू कावर दोनों मर्जी से प्यार करते थे शादी कर लिए बोलो इतना कष्ट मेरा नाम शिवानी है पापा का नाम गुरु रविदास है मेरे मम्मी का नाम मुसर है मैं अपना मर्जी से शादी किया उस प्यार करता था इसलिए शादी हस्बैंड का शादी करने के लिए क्या आपका आपका शुभ नाम क्या हुआ विकास दास अच्छा अच्छा ये क्या क्या मैटर है आपका ये आपके पत्नी के साथ इस लड़का का क्या मैटर है और आप यहाँ पे क्यों खड़ा गए ये लड़की को लड़का को बहुत पहले से प्यार चल रहा था अच्छा अच्छा आपको ये पता था कि ये लड़का लड़की में प्यार चल रहा हमको पता नहीं था अच्छा तो आज कैसे पता चला आपको ये फोटो वायरल हुआ तब हमको पता चला है तो जो है हम इसको पूछने लगे चलिए ठीक है
अच्छा ये बताइए, आपकी पत्नी आपके साथ रहना चाह रही है अभी? नहीं, हमको साथ में नहीं, हम डायरेक्ट बोल रहा है कि हम आपको साथ में नहीं रहेंगे। अच्छा, आप रखने के लिए तैयार हैं क्या? हम अब ये सब कारण से हम नहीं रखेंगे। अच्छा, यानी आप अपनी पत्नी को अब नहीं रखेंगे? नहीं। आपकी शादी इस लड़की से कब हुई थी, कौन सा साल में? कौन सा साल में, 2 साल हो चुका है। अच्छा, 2 साल हो गया है। चलिए, यानी आप अपना स्वेच्छा से इस लड़का लड़की की शादी करवा रहे हैं? यानी आप खड़ा होके ये दोनों की शादी करवा दे रहे हैं? आपको कोई तकलीफ इसमें? कोई हमारा तकलीफ नहीं है। कोई तकलीफ नहीं, ये दोनों आप पति पत्नी मान सकता है? अच्छा, यानी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं? कोई प्रॉब्लम। आप लड़का लड़की को कोई टॉर्चर कभी करेंगे क्या? नहीं, हम करेंगे। आपको कोई तकलीफ इससे? कोई तकलीफ नहीं। अगर कल वो दोनों के आपके तरफ से या आपके परिवार से कुछ नुकसान होता है, इसका जिम्मेवारी आप लेते हैं? नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपके परिवार और आपके द्वारा वो दोनों के ऊपर कुछ घटना होता है तो इसका जिम्मेवार आप रहेंगे? हमारा तरफ से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप कल कुछ करते हैं, ये लड़का लड़की को या आपके परिवार कुछ करता है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी रहेगी? जरूर रहेगी ना। चलिए ठीक है, थैंक यू। हेलो, मैं इसके साथ हूँ ना, कुछ नहीं। अच्छा, यानी सचिन को कुछ भी होगा तो इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले, जिम्मेवार कौन होगा? मैं। आप तो होंगे, मेरा घर वाला। उस कौन, उसका बताइए। अगर उसका साथ कोई घटना दुर्घटना होता आपके साथ? पूछ नहीं, कहीं रेडी हो? सुनिए, रेडी है ना? हाँ। कैसे के बोला? हाँ, पूरा दे दे। बोल सचिन। ऐसे जी तो रेडी है, पूरा दे दे। तो बड़ी और पड़ेगी सचिन, मैं तो राजी। सब राजी, हम और राजी। हो गई लो, चल डर दे पड़ो। हाँ, कहाँ गया तुम? बना चलो अगला, जो घोड़ा लग ले दोनों बेटा। दोनों राजी हैं रे? हाँ ठीक है, जो सुन लेते दी। अगर हस्बैंड अभी उसको लेके जाएगा, बोल तो नहीं लेके जाएगा। हस्बैंड लेके जाएगा तब हम नहीं रखेंगे। नहीं, वो अभी बोल रहा है हम लेके जाएंगे। लेके जाओ जो, अरे अब जो कह दिए सबके शादी कर लो, जो